Good morning, students. Today date is 2/1/2021. Today we are going to learn lesson number 3.4, story time, Nina's dream. Listen and repeat. Suno aur ise repeat karo. Nina was a little girl. नीना क्या थी? एक छोटी लड़की थी. She lived in a small village near देवेगर in कोकन. वो small village में रहती थी. वो village कहाँ था? Near in कोकन. Her parents work in the field. उसके parents कहाँ job करते थे? Work कहाँ काम करते थे? खेत में, फील्ड में. हर विलेज वॉज अ नियर अ सी. उसका विलेज कहाँ पे था? नियर द सी, समुंदर के पास. हर ब्रदर वॉन्ट टू ग्रास लैंड टू ग्रेस देयर द कैटल. ब्रदर वेंट, उसका भाई कहाँ गया था? ग्रास लैंड टू ग्रेस देयर द कैटल, घास काटने गए थे. द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लैंड वेंट टू द ब्रिंग फायर वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. उसकी एक बड़ी बहन थी, वो सूखी लकड़ियाँ लाने को गई थी. कहाँ पे? जंगल में. नीना सैट अंडर द मैंगो ट्री एंड वॉचेड द बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड क्लाउड. शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक दे. नीना एक मैंगो ट्री के नीचे बैठी थी. उसने क्या देखा? वॉचेड बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड क्लाउड्स. उसने क्या देखा? बर्ड्स को देखा, बटरफ्लाइज को देखा और क्लाउड्स को. शी टू वॉन्टेड फ्लाई लाइक दे. वो क्या चाहती थी? उनके जैसे उड़ना चाहती थी. When she saw fish in the sea, फिर उसने क्या देखा? Fishes देखा. कहाँ पे? In the sea. She wanted to swim. When she saw the sea, she wanted to cross it a sea. What is there on the other side? वो क्या चाहती थी? When she saw the sea, उसने सी में देखा, समंदर में देखा. शी वॉन्टेड क्रॉस एंड सी वॉट इज देयर ऑन द अदर साइड, समंदर के दूसरे साइड में क्या है वो देखना चाहती थी. आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड, शी सॉ द मून द स्टार एंड वॉन्टेड टू टच देम. खाना खाने के बाद सब लोग रात में सोते थे, तब वो क्या चाहती थी? कि आसमान में चांद और तारे को टच करने का उसका मन करता था. When her mother heard the wishes, she smiled and said, girls cannot do all these things. उसने, उसकी माँ ने नीना की सब विशेष सुनी थी. उसने क्या किया? स्माइल किया और नीना से कहा कि गर्ल्स ये सब सारे विशेष नहीं कर सकती. गर्ल्स क्या? ये सब चीज़ें नहीं कर सकती. नीना फेल्ट, विल माय विशेष एवर कम ट्रू. नीना फेल्ट, वो मायूस हो गई और उसने क्या कहा कि मेरी विशेष कब सच होगी? वन डे अ स्मार्ट लेडी कम टू देयर द विलेज. शी had a bag, some books and a purse on her shoulder. एक दिन उनके गांव में एक स्मार्ट लेडी आई थी. उसके हाथ में कुछ बुक्स थे और उसके कंधे पे एक बैग थे, पर्स था. नीना ran to her and asked, who are you? नीना भागके उसके पास गई और कहा, who are you? Are you going to live in our village? उसने कहा, आप कौन हो? Who are you? Are you coming to live in our village?
आप हमारे विलेज में रहने को आए हो? The lady smiled. To said, Yes, I am Rutuja. I am going to live in your village. लेडी ने क्या कहा? हाँ, मेरा नाम रुतुजा है और मैं आपके विलेज में रहने आई हूँ. We are going to start an activity center. मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे activity center start कर रही हूँ. Here for the little girls like you. और वो भी किसके लिए? आपके जैसे छोटी छोटी लड़कियों के लिए. I also live and went to school in a small village like this. Nina was happy. She held Rutuja's hand and took her home. Nina खुश हो गई और उसने क्या किया? रुतुजा का हैंड पकड़ा और उसको अपने घर लेके गई. She offered her some tea and laddus. उसने क्या किया? रुतुजा को टी और कुछ लड्डू ऑफर किया, खाने को दिए. रुतुजा सेड, थैंक यू नीना, आई एम अ पायलट बट आई हैव फेल्ड द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेज. रुतुजा ने कहा, मैं पायलट हूँ पर मैंने मेरा जॉब क्या किया है? छोड़ दिया है. Because I want to teach. क्योंकि मुझे छोटी छोटी लड़कियों को, गांव की छोटी छोटी लड़कियों को सिखाना है. A pilot. Really? नीना खुश हो गए और कहा उसने, A pilot? Really? सच में आप पायलट हो? नीना was a jumping with joy. नीना was a jumping with joy. वो खुश हो गई. See mother, girls can fly. उसकी मम्मी ने भी देखा. रुतुजा, नीना क्या कर रही है? Fly कर रही है. रुतुजा smiled and said, they can sail across the ocean too. रुतुजा खुश हो गए और उसने कहा कि आप समंदर को भी क्रॉस कर सकते हो. मदर टू वॉज अ वेरी हैप्पी. उसकी मदर बहुत खुश हो गई. नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर. नीना रैन आउट द टेल एवरीवन. नीना बाहर गई और सबको बता रही थी किसके बारे में? एक्टिविटी सेंटर के बारे में. Complete the following sentence by using the word and phrase given in the box. क्या कहा है कि नीचे दिए गए वर्ड से वो सेंटेंस में डालकर सेंटेंस पूरे करने. नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. नीना लिव इन अ विलेज. नीना कहाँ रहती थी? विलेज में. हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड. उसके पेरेंट्स कहाँ काम करते थे? फील्ड में. हर ब्रदर वेंट टू द ग्रास लैंड. उसका भाई कहाँ गया था? टू ग्रास देयर द कैट. द ओल्डर गर्ल्स वेंट टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग द फायर वुड. वन डे अ डैश कम टू देयर विलेज. वन डे अ स्मार्ट लेडी कम टू देयर विलेज. द स्मार्ट लेडी वॉज अ पायलट. वो स्मार्ट लेडी कौन थी? पायलट थी. फाइंड अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग द फ्रॉम द स्टोरीज. अपोजिट वर्ड्स लिखने के हैं. फार नियर, बिग स्मॉल, बैक फ्रंट, फॉल्स ट्रू, younger, older, sad,
happy. Question number C. Match the statements with the pictures. Nina was a cross. It. Meena ko kya cross karna tha? Samandar. Isse match karna hai. Nina wanted to touch it. Nina ko kya touch karna tha? Kise touch karna tha? Moon ko. Nina wanted to swim. Nina को स्विम करना था किसके जैसा फिशेस के जैसे नीना वांटेड टू फ्लाई नीना को फ्लाई करने का था बर्ड्स के जैसे रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग द कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स Nina was a little girl. Nina, N is capital. Write the full sentence and after the full stop. Okay. Will my the wishes ever the come true? Same. W is capital. Write the full sentence after full stop. I am going to live in our village. I is capital. Write the full sentence and full stop. I am a pilot. I is capital. Write the sentence and full stop. Who are you? W is capital. Write the sentence and full stop. Nina was happy. N is capital. Write the full sentence and full stop. Okay. Complete this the chapters. And this question A, B, C, D. Write in your notebook. Bye.